हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और मैं अभी बनाने जा रही हूँ गर्मा गर्म आलू चॉप। तो किसको पसंद है गर्मा गर्म आलू चॉप? तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं आज की रेसिपी गर्मा गर्म आलू चॉप। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आलू उबल चुका है और आलू को मैं अभी छीलूंगी फटाफट। मैंने आलू छील लिया है और आलू अभी तैयार करेंगे, बोनेंगे, इसको फ्राई करेंगे। क्या कर रही हो? हेलो बोलो। हेलो 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 बोली। हेलो, हाँ चलिए आइए। आज हम लोग बनाने वाले हैं आलू चॉप। अब बाबू खाएगी, खाइएगा ना? हाँ ना? हाँ नहीं? हाँ। देखिए प्याज लाल हो गया है, एकदम पूरी तरह से लाल हो गया है। अब इसमें डालेंगे ये जीरा गोल की है, ठीक है? जीरा गोल की डालूंगी। तो पहले भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे इसको। इसके बाद हल्दी, एक चम्मच हल्दी। हल्दी जैसे कलर आए, देखिए बिल्कुल कलर आ रहा है। उसके बाद ये मसाला, सब्जी मसाला जो है पैकेट में, इसको डालूंगी। सब्जी मसाला, सब्जी मसाला डालूंगी। उसके बाद नमक स्वाद अनुसार, ये है नमक स्वाद अनुसार। अब ये मसाला भून चुका है। उसके बाद आलू डाल लेती हूँ। इसपे बनेगा लावा, तो चलिए बनाते हैं लावा। मैं हूँ गोल गोल आलू चॉप के लिए गोल गोल लावा बना रही हूँ। गोला बना रही हूँ, काटे 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 काटे। आलू चॉप को, आलू चॉप का आलू गोल गोल इस तरह से बना लेंगे, देख सकते हैं। गोल गोल बना लेंगे इस तरह से। ये आलू चॉप का लावा बन गया है, तो थोड़ा सा दबा देंगे ऐसे करके, ऐसे दबा देंगे। बिहारी लोग ज़्यादा खाते हैं आलू चॉप। सारे गोलों को ऐसे दबा देंगे, बड़े बड़े आलू चॉप बनेंगे। आलू चॉप का जो आलू है वो रेडी हो चुका है पूरी तरह से। अब इसमें हम लोग करेंगे ये जो गोल गोल दिख रहा है, इसको हम लोग बेसन में डुबा के डालेंगे, जिससे हम लोग का आलू चॉप का पकौड़ी बनेगा। बहुत मेहनत से ये बन गया है। अभी आधा घंटा लग गया आलू उबालने में, आधा घंटा लगा और आधा घंटा इसको, इसका आलू बनाने में और इसको गोल गोल करने में। अब देखिए आलू चॉप का रोटी तैयार हो गया है। अब इसमें बेसन में डुबो के बनाएंगे आलू चॉप, टेस्टी टेस्टी। और आप लोग को भी मैं खिलाऊंगी। देखिए दोस्तों, ये बेसन का घोल है, बेसन का घोल है। देखिए बेसन का घोल मैंने बना लिया है। अब इसमें आलू डालेंगे, ये जो आलू हम लोग जो रोटी बनाए थे आलू का, तो ये है। इसमें डुबोएंगे इस तरह से डुबोंगी और यहाँ पर तेल में देंगी और बनेगा आलू चॉप। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। हम लोग तो आलू चॉप बोलते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग क्या बोलते हैं। कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। देखिए बन रहा है गरम गरम, मौसम भी वैसे ही बना है आज का, बारिश हुआ है, बारिश में पकौड़े खाने का मन करता है। ये आलू के पकोड़े वहाँ गरम तेल में उबल रहे हैं, देखिए बन रहे हैं गरम 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 गरम। मैं बना रही हूँ, देख ही रहे हैं क्या बना रही हूँ। देखिए फटाफट बनाती हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर पकोड़े देख सकते हैं, पकोड़े यहाँ पर बन रहे हैं और देख सकते हैं
भी थोड़ा सा पलट लेती हूँ, लाल भी हो गए देख सकते हैं। ये आलू का चॉप देखिए एकदम लाल हो गया है, अब इसको उतार लेंगे। लाल हो चुका है और पक चुका है, इधर दिखाओ थोड़ा सा। उतर रहा है प्लेट से, देख सकते हैं आप गरम गरम आलू चॉप रेडी हो चुका है। देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लाइट बने, ये देखिए दोस्तों बन गया है आलू चॉप, गरम गरम आलू चॉप, आलू का पकोड़ा मैंने बनाया है अपने हाथों से। सो आप देख सकते हैं मैंने बना लिया है आलू का पकोड़ा, देख लीजिए गरम गरम और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। और मैं अभी खाने जा रही हूँ आलू का पकोड़ा। देखिए दोस्तों आप लोग भी खाइए। बहुत स्वादिष्ट है, मज़ा आ गया दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है मेरा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। ये पकौड़ा बन गया है।